नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे कई बार कहते हैं, तो बच्चे प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट भी कुछ इसी टाइप का रहेगा जैसे देख रहे हो आप। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर हुज कॉस्ट द 5 लाख रुपीज, सी इक्वल्स टू आपको गिवन है, विल बी डेप्रिशिएट टू द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द 50,000 रुपीज इन अ 5 ईयर। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रैप वैल्यू एन 5 साल में हो गए। वट इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद इसकी बुक वैल्यू क्या है? अरे बच्चे बुक वैल्यू कह लो या स्क्रैप वैल्यू कह लो, बात एक ही आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, 3 साल का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू 5 लाख रुपीस 1 माइनस। अच्छा यहां पर आपके पास में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ही क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो कोई बात नहीं, पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, अब उसके बाद किसी सवाल का जवाब लेंगे भाई, ठीक है। एस इक्वल्स टू सी 1 माइनस आर रेस टू पावर एन, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम, एस एस क्या है मेरे पास में, स्क्रैप वैल्यू 50,000, जब मेथड मेंशन नहीं हो तो डिमिनिशिंग मेथड ही होता है। स्क्रैप वैल्यू आपके पास में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, 5 लाख रुपीस, 1 माइनस आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में आपको नहीं पता, ये हो गया 5। सॉल्व करेंगे, क्लियर है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास में, इतना ही भी वो चलो रहने दो, 50,000, 5 लाख, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, तो क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो 1/10 इक्वल्स टू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, ठीक है बच्चे। अब यहां पर एक काम करते हैं कि मुझे इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और n तो मुझे मालूम है, खैर n क्या है 5 ईयर, मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेंगे 1/10 का भी और लॉग लेंगे 1 माइनस r की पावर 5 का भी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम, तो क्या आ जाएगा, लॉग 1 माइनस log 10 इक्वल्स टू क्या जाएगा 5 log 1 माइनस r। अब लॉग 1 माइनस log 10 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 10 पे 0, लॉग 1 की वैल्यू, तो लॉग 1 है तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 डिजिट एटलीस्ट ये था, तो आप 10 पे क्या देख लो, 0 देख लो, तो 10 पे 0 देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्लियर है बच्चे। 10 पे अगर हम 0 देख लेते हैं और लॉग वैल्यू जब आप निकालते हैं तो जितने डिजिट है आपके पास में उसमें से एक माइनस करके लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। लॉग 10 की वैल्यू, तो 10 है तो पॉइंट लगा 0, तो 3 डिजिट, 10 पे 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और जो जितने डिजिट होता है उसमें से एक माइनस कर दो तो 2 है तो 1, दिस 1, तो क्या आ गया आपके पास में 1, ठीक है, इक्वल्स टू 5 log। मैंने देखो लॉग टेबल निकालना सिखा दिया एक बार, अब उसको देखो सीखो करो, हर बार हर क्वेश्चन में उसको सिखाने के लिए बैठूंगा तो क्वेश्चन कब करेंगे बच्चे बताइए। तो सॉल्व करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, दिस 1 log 1 माइनस r 0.2 इक्वल्स टू log 1 माइनस r। अब देखो बच्चे यहाँ पे लेकर आऊँगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग माइनस 0.2
इक्वल्स टू वन माइनस आर। अब बच्चे एंटी लॉग तो निकालना सिखाया था मैंने आपको, लेकिन एंटी लॉग की नेगेटिव वैल्यू निकालनी आपको नहीं सिखाई थी, वो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। एक काम करना है आपको, कभी भी एंटी लॉग की नेगेटिव वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो ये आपको देखो पहले पॉइंट से पहले क्या है, जीरो, तो इससे एक आगे बढ़ जाओ, क्या होता है प्लस वन, सेम चीज कर दो माइनस वन। क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट से पहले दो होता तो मैं क्या लिखता, प्लस तीन माइनस तीन, पॉइंट से पहले चार होता तो मैं लिखता प्लस पाँच माइनस पाँच, तो इससे एक ज़्यादा जो है, क्लियर है। अब माइनस, अब कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे, मैं जो प्लस करा माइनस करा, माइनस 0.2, ठीक है, इक्वल्स टू वन माइनस आर। सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव में से माइनस कर दो एंटी लॉग, वन में से तो 0.8, ठीक है, एंड ये माइनस वन, क्या करा मैंने, इस वन में से 0.2 माइनस कर दिया पॉजिटिव में से, इक्वल्स टू वन माइनस आर। आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया मेरे पास में, माइनस है नहीं आपके पास में, दिस वन प्लस हुए माइनस मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, तो माइनस का मतलब ये हो गया, जब भी माइनस में कोई फिगर है, कोई नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करो वन अपॉन टेन ले लो, डायरेक्ट बता देता हूँ, वन अपॉन टेन ले लो, और जो माइनस में तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, जो भी हो पावर उतना ही लिख दो इसके ऊपर वन, और इनटू एंटी लॉग ऑफ 0.8 जो माइनस वाला फिगर है बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टेन तो लेने लेना है, क्या है वन है तो इसके ऊपर पावर वन यूज़ करो, और एंटी लॉग ऑफ किसका निकालोगे 0.8 का, इक्वल्स टू वन माइनस आर, वन अपॉन टेन इंटू एंटी लॉग 0.8 का, कम से कम तीन डिजिट चाहिए 0.8, तो अपने हिसाब से आप क्या कर लो, दो जीरो लगा दो, 80 पे जीरो देख लो। एंटी लॉग टेबल कहाँ है, ये लॉग टेबल है, अगर एंटी लॉग टेबल नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे, चलो मैं भी ड्राइव करके दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं मैंने स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला डिस्क्राइब करके नहीं दिखाया, अभी फॉर्मूला क्रिएट तो किया था हमने एक बच्चे, कहाँ गया वो, ये रहा। अब क्या कर रहे हो आप, इस बात को जरा समझो, आप कह रहे हैं पहले मैं उस क्वेश्चन को एंड कर दूं फिर उसके बाद आपको मैं डाउट लेता हूं, ठीक है बच्चे 80 पे जीरो देख लेते हैं। एंटी लॉग टेबल अलग टेबल होता है लॉग टेबल से, जो कि आप 80 पे जीरो देखेंगे तो आपके पास में क्या हो गया 6310, क्लियर है बच्चे। अब इसके आगे जो है उसमें एक प्लस करके जीरो है तो उसमें एक प्लस कर दो, तो एक आया, एक डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, दिस वन 6.31, तो सॉल्व करेंगे 6.31 इक्वल्स टू वन माइनस आर, एंड आगे सॉल्व करेंगे, ये जीरो पर सेट करेंगे तो पॉइंट आपका लेफ्ट में भागेगा 0.63, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और इक्वल्स टू वन माइनस आर, अब सॉल्व करेंगे वन में से वन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वन माइनस 0.631 0.369 इक्वल्स टू आर, एंड आर इक्वल्स, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है आपने, आर निकालना है, कहाँ गया इसका एंटी लॉग टेबल का, देखो ये समझ में आया बच्चे कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का पार्ट कि आपको डेप्रिसिएशन निकालने पूछेगा,
इतना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं डिमिनिशिंग मेथड को, ऑफ द डेप्रिसिएशन इज यूज्ड इफ द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन इज यूज्ड। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में ये दिस वन आर की वैल्यू ये आई आपके पास में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आपको सिंपल ही करना है कि आपके पास में 4,50,000 रुपये, आप देखोगे ना डेप्रिसिएशन निकालोगे एनुअल, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एन, तो 5,00,000 रुपीस माइनस 50,000 रुपीस अपॉन 5, तो 90,000 रुपये एक साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। और 90,000 रुपये एक साल का लग रहा है, तो फिर आर निकालना है आपको, तो 90,000 रुपीस फर्स्ट ईयर में लगा आउट ऑफ 5,00,000 रुपीस इंटू 100, तो यहां पर 18% आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ये समझ में आया ये क्या करा आपने? क्लियर है बच्चे? तो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला आपने, क्वेश्चन क्या करना है आपको कैलकुलेट वो जरा सीख लो। आपको स्क्रैप वैल्यू थर्ड ईयर की निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आप यूज करते हो, पहले डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग मेथड आप यूज करते हो तो क्या निकालोगे आप? स्क्रैप वैल्यू या बुक वैल्यू बात एक ही है, कॉस्ट 1 - R 3, 5,00,000 रुपीस कॉस्ट है, 1 - R तो निकाल रखा था 0.6, 1 - R की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी ना 631 पावर 3, 5,00,000 रुपीस, सॉल्व करेंगे 0.631 इंटू 0.2512, 5,00,000 रुपीस इंटू 0.2512, 125600, ठीक है बच्चे? तो ये होगी इसकी बुक वैल्यू। और स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आप निकालते हो तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? C - S अपॉन एन, तो 5,00,000 रुपीस माइनस 50,000 रुपीस अपॉन 5, A = 90,000 रुपीस एक साल में, 3 साल का कितना हो जाएगा? 270,000 रुपये डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 5,00,000 रुपये के आपके ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, उसमें से 270 तीन साल का डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो बुक वैल्यू कितनी रहेगी आपके एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर? तो 2, 3 और उसमें से फिर आप 70,000 रुपये, तो 230,000 रुपये बच जाएगा। ये आपका आंसर है, क्लियर है? ये पूछ रहा था आपसे। तो यहाँ 1 - R निकाला और ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक क्लास समझ में आ गई होगी। अभी मुझे निष्कर्ष ने क्वेश्चन पूछा, सर मैंने डेरिवेशन नहीं दिया, तो डेरिवेशन देख लो अब आप। कहाँ था बताओ, फॉर्मूला कहाँ था? इसके बाद दिस वन देखो बच्चे, 10,000 का मेरा एसेट्स था, 10% डेप्रिशिएट रह गया, तो मेरे वैल्यू बची कितनी? 10% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो डेप्रिसिएशन आएगा। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, तो एक काम करता हूँ, 10,000 है तो 10% नहीं निकालना मुझे, क्योंकि 10% तो वैल्यू गई, बची कितनी? ये 100% का 10% तो रिड्यूस हो गया, ये बचा 90%, तो सॉल्व करेंगे तो 9,000 का फिगर बचा। अब ये भी अपने आप में 100% हो गया, 10% फिर डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा तो बचा कितना? 90, जो वैल्यू बची है, तो कितना हो गया? 8100।
फिर इसका 10% रिड्यूस करूँगा तो उसका 90% फिर बचेगा रिमेनिंग फिगर, तो कितना आ गया 972, ये आ गया। तो बार बार करने से अच्छा क्या है, आप क्या करो 10,000 का 90%, अब जो वैल्यू रह जाएगी ये वो है, जो गया वो नहीं है, जो रह जाएगी वो है, अगेन 90% एंड अगेन 90%। और आप कर क्या रहे हो, आप 1 माइनस आर क्या है आपका 10% / 100 की पावर 3, तो क्या आएगा आपका 90/100 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ दिस वन। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब एक क्लास इस पर भी और लगेगी जिस पर कि हम 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, बस ज़्यादा नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए, बट फिर भी एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू।